नियर हमर का रीति रिवाज है, लेकिन सरकार ओहे हमर रीति रिवाज के छानबीन करत जानत है समझत है सैकड़ों में हम के एसटी से दरकिनार कर दिलक है ने, तो हमरे मन के एकदम दुखा देख यह दर्द के बताए के लिए हमें माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले के लिए आई, ताकि वो आदिवासी हके ने हमर मंत्री ये हके आदिवासी हके, ताकि वो आदिवासी का दुख दर्द के समझ सके। छुआ मन पढ़े लिखे तो मन के अति छात्रवृत्ति हो मिले ऊपरों से हम मन वंचित थी, ताकि हमरे मन कर छुआ पुता मन आगे नहीं बढ़ सके, आगे पढ़े लिखे नहीं पा रहे, भला नौकरी के तो छोड़ नौकरी तो नहीं है मिले खान एसटी में नखे रिक्शे में, सरकार हमरे के ना तो एसटी में रखी ना ओबीसी में ना जनरल में, से ले हमरे मन एखन कोई घर कर ना घाट कर हमें कोनो कर ना लगे। ओबीसी की सूची में भूयार लिखा हुआ है जो कि मुसर का उपजाति है जो कि बिहार में पाया जाता है, और बिहार से झारखंड बनने से कॉपी पेस्ट कर दिया गया, और ये भूयार यहाँ कोई जातीय नहीं है जब मुसर का उपजाति है बिहार में, और उसको दिखा करके हमको थोपा जाता है कि तुम लोग ये है, जबकि प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग दोनों का अलग है, हम लोग भूयार है और वो भूयार है। यहाँ से हमारा प्रॉब्लम समस्या शुरू हुआ। गाड़ी भाड़ा कहाँ कहाँ से फौजिल जुटाइल तले आवी ला अखन हम कैले कराव भूखे पिया से अखन हम इन मनाइज मिले यहाँ आई ही मोड़ुआ मन के खाइल गोहम मन के खाइल मकई के घाठा मन के खाइल हम इन मन अखन बढ़िया पढ़ सर ले तब बढ़िया हमारे जाति मन बन तब तो हम तो बाल बच्चा मन नहीं कुछ कर के थी ये सेवा माए बाप के करता है। जब हम इन मन के इतना उम्र हो गया फिर भी इनके कागज पत्र का फैसला नहीं होते, दुनिया करो होते सब करो होते और हमारे काल नहीं होते, तो हम इनकर जाति को नहीं बनाते। छुआ मन के पढ़ाती आठवा क्लास मैट्रिक तक लिखा था या जाति खोजत है, तो जाति हम इन हर स्कूल में जेला कोनो जगह जेला तो जाति मांगेला, तो हम इन जाति कहाँ से दे और है इनका जो भी जमीन है एक बिता है इनका आदिवासी कर वो जमीन लुटाए जाते धीरे धीरे लुटाए जाते, तो हम इनका जमीन है के प्रूफ और जमीन हम इनका नहीं रही है, हम कहाँ रह कहाँ कदम रख। अभी इस वक्त हम राजधानी रांची में सीएम हाउस के बाहर हैं। मेरे हाथों में जो तख्ती है इसमें लिखा हुआ है भूयार मुंडा या भूयार गढ़वा झारखंड। पकड़ पे दीदी, आपको बता दें कि मेरे साथ जिन महिलाओं को आप देख रहे हैं आदिवासी परिधान में है, ये पहाड़ों की तराई से जो झारखंड के बॉर्डर है उन इलाकों से आई है। इन इलाकों के नाम भी मैं बता दे रही हूँ, ये लगभग गुमला लोहरदगा पलामू लातेहार इलाकों से आए हैं, बॉर्डर इलाका पड़ता है झारखंड का, और ये खुद को भूयार मुंडा कह रहे हैं, यानी कि मुंडाओं की पहली उपजाति ये खुद को कह रहे हैं। और इनका कहना है कि लगातार हम जब बिहार राज्य में थे तब हम आदिवासी सूची में थे यानी कि अनुसूचित जनजाति में थे, लेकिन जब से झारखंड बना 32 की बात सामने आई तब से हमें अनुसूचित जनजाति से बाहर कर दिया गया। लेकिन हेमंत सरकार ने बीच में स्टेटमेंट दिया था कि इन पर यानी कि भूयार मुंडा पर रिसर्च होगा टीआरआई में, टीआरआई ने रिसर्च कर केंद्र की जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है उसमें भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। लगभग 10-12 साल हो गए, इतना स्लो प्रोसीजर है और लोग अभी भी आश्रय में है कि कब हमें अनुसूचित जनजाति में डाला जाएगा। इस उम्मीद के साथ आज ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने आए हैं, बातचीत करते कहां मामला अटक रहा है। फिलहाल जो दादा अगवा कर रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। दादा आपका नाम? सत्य प्रकाश हुरहुरिया। अच्छा, ये जो भूयार मुंडा है भूयार करके जो आप दिखा रहे हैं आदिवासी सूची में डालने की बात कर रहे, क्या है पूरा मामला? मामला ऐसा है कि हम लोग छत्तीसगढ़ सीमा के साथ बसते हैं और हम लोग के जो गुतिया लोग हैं वो सभी जो है छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में आदिवासी की सूची में सूचीबद्ध है, और हम लोग जो है झारखंड में आदिवासी की सूची में सूचीबद्ध नहीं है। जब बिहार सरकार था उस समय हम लोग को आदिवासी का अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत करता था, लेकिन जब से झारखंड राज्य बना 1932 का खतियान का जिक्र हुआ तब से हम लोग का जाति प्रमाण पत्र निर्गत होना बंद हो गया, चूंकि हमारा खतियान में जाति भूयार लिखा हुआ है जो कि मुंडा का पहला उपजाति है और आदिवासी है, और हम लोग बैगा और पहन खानदान के हैं और हम लोग जो है आदिवासियों के पूजक हैं, पूजा कराते हैं, लेकिन हम लोग को आज तक
ये लोग आदिवासी का दर्जा जो है के लिए सूची में सूचीबद्ध नहीं कर पा रहे। ऐसे यहाँ पे समझाइए दादा कि खतियान में भूहर मुंडा है कि भूहर है? कुछ लोगों के खतियान में जाति भूहर और कुछ लोगों के खतियान में भूहर मुंडा। 1992 के खतियान में कुछ लोगों के खतियान में भूहर मुंडा है और बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों का मतलब 90% लोगों का जाति भूहर लिखा हुआ है। दोनों अलग अलग है कि एक ही है? दोनों एक जाति है। जो सर्वे करने वाला किसी में भूहर लिख दिया, किसी में भूहर मुंडा लिख दिया, लेकिन हम लोग असली में जाति भूहर है और मुंडा का पहला उप जाति है। तो बातें कहाँ अटक रही है? बातें जो है हम लोग को अनुसूचित जनजाति की जो जो सूची है उसमें झारखंड की अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध नहीं है भूहर। और खतियान के द्वारा ऑनलाइन के से हमारा जाति प्रमाण पत्र बनता है और ओबीसी की सूची में भूहर लिखा हुआ है जो कि मुसहर का उपजाति है जो कि बिहार में पाया जाता है और बिहार से झारखंड बनने से कॉपी पेस्ट कर दिया गया और ये भूहर यहाँ कोई जातीय नहीं है जब मुसहर का उपजाति है बिहार में और उसको देखा करके हमको थोपा जाता है कि तुम लोग ये है जबकि प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग दोनों का अलग है। हम लोग भूहर है और वो भूहर है। यहाँ से हमारा प्रॉब्लम समस्या शुरू हुआ। अच्छा, TRI से रिसर्च होकर केंद्र में चला गया, केंद्र के पास कब गया, कब से रिपोर्ट अभी पेंडिंग है? केंद्र के पास मार्च 2021 में गया और RGI ने जांच करके इसको इसी साल में कुछ बिंदुओं पर उसे स्पष्ट नहीं हुआ और RGI में जो बैठे हैं उन्होंने भूमिहार के साथ में जोड़ करके कि भूमिहार का अपभ्रंश शब्द भूहर है, ये लोग लैंड लॉर्ड हैं, ये लोग जो है जमीन के जमींदार हैं, ऐसा बता करके स्पष्ट ना होने के कारण कागज जो है 5 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। और हम लोग जबकि असली बसिंदे हैं झारखंड के और हम लोगों ने हमारे पूर्वजों ने जंगल को काट करके खेती योग्य बनाया और पहले हम लोग फर्स्ट सेटलर हैं, हमारे गजेटियर में लिखा हुआ फर्स्ट सेटलर जिस इलाके में बसते हैं उस इलाके के प्रथम बसिंदे हैं। लेकिन जो है RGI को कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है जिसको झारखंड सरकार TRI जल्दी से जल्दी 5-6 महीना हो गया स्पष्टीकरण अभी तक दे नहीं पाया है कि आप लोगों का जो है जो जिन बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है उसको जल्दी से जल्दी दे। सरकार पहल किया है लेकिन उसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो ताकि हम लोग को दर्जा प्राप्त हो सके और सरकार के जो उम्मीद है उसके ऊपर भी पानी ना फिरे और हमारे उम्मीद के ऊपर भी पानी ना फिरे, यही हमारा कहना है। इनके साथ रांची के भी कुछ संगठनों के लोग आए हैं जो इनका बकायदा साथ दे रहे हैं। शिवादा हमारे साथ है। शिवादा, कुर्मियों की भी मांग है आदिवासी बनने की, भूहर समाज भी है, बहुत सारे समाज के लोग हैं। अगर सरकार सबकी बातें सुन रही है, सचिव ने जैसे मुख्य सचिव ने कुर्मी समाज को बुलाया, तो क्या इनको भी बुलाहट आनी चाहिए, एक बार मुलाकात करनी चाहिए? एकदम, क्योंकि इससे आस्था और पहचान जुड़ा हुआ है और आस्था और पहचान पे सवाल होता है ना तो आदमी कुछ भी करने के लिए आगे आ जाता है। ये बात है भूहर मुंडा और भूहर, ये शब्द अलग अलग है क्योंकि ये लोग मुंडा वंशज के जाति के लोग हैं और ये लोग आज से नहीं, जब से बने लोग सूची हुए अनुसूचित जनजाति से तब से ये लोग भूहर मुंडा लिखा रहे। भूहर अलग चीज़ होता है और भूहर अलग चीज़ होता है क्योंकि मैंने भूहर होता है वहाँ का बसिंदा जो अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में आता है, जो कि इसका मैंने प्रूफ भी है इन लोगों के पास में। लेकिन यहाँ में अनन फनन में बोलिए चाहे कर्मचारी का जो गलती को ये लोगों के ऊपर में थोपना चाह रही है जिससे ये लोग बहुत आहत है। हम लोग के पास भी सूचना आया तो हम लोग बोले चलिए पहल करते हैं और इन लोगों को हम लोग CM के पास मिलवाने के लिए चले आए क्योंकि ये लोगों का जायज मांग है। उसी तरह मान लीजिए आज जैसे कि लोहरा लोग का देखिए लोहार कर दिया बेचारा लोग का जाति प्रमाण पत्र लोगों का नहीं बन रहा है जो कि वो लोग मैंने OBC में आ जा रहा है
उसी तरह इसको भी इसी तरह का करना चाह रहा है। जो चीख बड़ाई है, चीख बड़ाई को भी इस लोग इसी टाइप का करना चाह रहा है। लेकिन ये सब थोड़ा सा त्रुटि के लिए, गलती के लिए पूरा समाज भुक्त भोगी हो गया। 3 लाख की लोग आबादी है भुयार लोग का, 3 लाख वेस्टी जाति में है। और बताइए 3 लोग इससे लाभ से सरकार का जो भी योजना आएगा, शिक्षा हो चाहे आवास हो चाहे किसी भी प्रकार का सरकार द्वारा योजना आएगा, उससे ये लोग वंचित हो जाएंगे। और ये लोग एसटी कैटेगरी से वंचित हो जाएंगे, ये लोगों का कोई पहचान नहीं रहेगा, क्योंकि भूमिपुत्र है और भूमिपुत्र को उन्हें पहचान नहीं मिलना, ये कहाँ का इंसाफ है। सरकार द्वारा भी पहल किया गया, लेकिन TRI का जो मैंने डायरेक्टर लोग है, उन लोग में थोड़ा सा इधर उधर ये लोग घुमाने का काम कर रहा है, जो कि ये शोभा नहीं देता। हम तो कहेंगे कि आज इसी के पास मुख्यमंत्री महोदय के पास आए आस लगा के ये, और उनको कर्म का भी बधाई देंगे। अभी कर्मा ही लोग मनाया, सारा ट्राइबल नियमावली से ये लोग चलते हैं। जो आदिवासी का जो नियम है 32 अनुसूचित जनजाति का, उसी में ये लोग भी आते हैं। लेकिन जब से झारखंड हुआ तब से ये लोगों को सूची से हटा दिया गया, उसी का मांग करने महोदय से आए हैं ताकि हम लोग का बात को सुने। तो अलविंदा भी यहाँ पर आए हैं, अलविंदा क्या कहेंगे? बहुत बड़ी संख्या वंचित हो जाएगी अगर इनको नहीं मिलेगा इनका अधिकार। निश्चित तौर पर जो इस देश का असली मालिक है, जो इस देश का मूल निवासी है, आज उन्हें समझिए उनका पहचान से उनका जल जल जमीन से बेदखल करने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये उस समय झारखंड अलग राज्य होने के तुरंत बाद जो तत्कालीन सरकार है उनके कहने की गड़बड़ी के कारण आज ये लोग भुक्तभोगी हैं। देखिए ये इस देश इस राज्य के मूल मालिक हैं और ये लोग भैया मुंडा जो मुंडा उपजाति के एक अंश हैं, आज इन्हें वेबिनार करके इन्हें OBC कैटेगरी में डाल दिया गया है। और ये लोग वर्तमान में जो हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन सरकार से गुहार लगा चुके हैं, आवेदन ज्ञापन दे चुके हैं, अब इन्हें आश्वासन भी मिला है कि उन्हें फिर से आदिवासी सूची में सूचीबद्ध करने का, उन्हें TRI के माध्यम से उन्हें रिसर्च करने के लिए 5 बिंदुओं पर जांच चल रही है। और अब तक बहुत लंबा समय हो रहा है, सरकार का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और अभी तक TRI के द्वारा पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं सौंपा गया सरकार के ऊपर लेवल में स्टार जनरल को। तो इसलिए जिस प्रकार TRI के द्वारा गुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है, गुलमुल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इन्हें फिर से उस दंश को झेलना पड़े। इसलिए हम लोग इस सामाजिक संगठन होकर इनका जो मांग है, जो जेन्युइन मांग है, जायज मांग है, उन्हें हम लोग सपोर्ट करने के लिए आए हैं। आज मुख्यमंत्री के द्वारा फिर से मिलकर उनके कार्य में गति लाने के लिए त्वरित कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाने का काम होना चाहिए, इस मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ पर जमा है। महिलाएं आई हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। ये बतावा कि सर्टिफिकेट नहीं बनोला तो कोनो दिक्कत हो ना? हाँ मैया एकदम दिक्कत होवेल, हमने माने भूयर मुंडा है कि भूयर मुंडा रहब और रहे चाहिए। हमें झारखंड कर आदिवासी मूलवासी है कि, लेकिन हमके एखन सरकार एखन तक हमके आदिवासी में अपन सूची में सूचीबद्ध न फेंके, से ले हमके बहुत दिक्कत हो थी। हमरे मन छुआ पुता के पढ़ाब लिखा तो कैसे पढ़ाब लिखा, सब जगह जाति मांगे ना और बने भाइये नहीं। और ये आदिवासी के तो ST में रखे नहीं, ST है आदिवासी, तो छुआ मन पढ़े लिखे तो उनके अति छात्रवृत्ति हो मिले, ऊपरों से हम मन वंचित थी ताकि हमरे मन कर छुआ पुता मन आगे नहीं बढ़ सके, आगे पढ़े लिखे नहीं पा रहे। भला नौकरी के तो छोड़, नौकरी तो नहीं है मिले खान ST में नखे रख से में, सरकार हमरे के ना तो ST में रखी ना OBC में ना जनरल में, से ले हमरे मन एखन कोई घर कर ना घाट कर हमें कोनो कर ना लगे, से ले हमरे मन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यह तकलीफ के सुना आई और साथ साथ में हमें उके कर्मा परब कर उपलक्ष्य में बधाई होने में आई, ताकि हमर आदिवासी सरकार रहते हुए भी हमर दुख तकलीफ ने उस समझे। इस तरह कही के हमरे मन बहुत कर संख्या में अलग अलग जिला से हमने मन यहाँ उपस्थित हुई, और जब तक हमर ये मांग जब तक पूरा नहीं होवे तब तक हमें जे भी हो हमके भूखे हो प्यास हो मरे भी हो तभी तो हमरे मन हेमंत सोरेन से मिल के ही जाओ, मिल के जाओ। हाँ मिल के जाओ। कहाँ से आई इसमें? मोर गांव हके हुरुंडा सिधुआ टोली
प्रखंड के महुआ ना पंचायत सोहर पोस्ट आ रहा और लातेहार जिला का हुकूमत। मतलब देखिए कितनी दूर से आई है, का पूजा पाठ कराला तो ही हमरे मन अपन रीति रिवाज कर अनुसार मौसम कर अनुसार हमरे मन पर्व त्योहार मने। एखन बरसात कर अति मौसम रहे शुरू बरखा गिरलक से खने हमें का मना ली हरियरी मना ली ऊपर में का लान ली केना साग धसनी साग और एको दूगो पुटू होल जंगल झाड़ से उठे के लान ली और उके हमरे मन हरियाली का हरियाली हरियाली का नाम से उके हमें खा ली। उकर बाद में हरियाली कर बाद में हो गया के खान कदलेती पर्व हमें मन मनाए कदलेती मनाई कदलेती में बैगा जो पूजा करे उकर बाद में हमरे मन जे खेत ले रहे बढ़नी उ मन के हमें काट के कदलेती जब तक नहीं मनाई तब तक हमें उके नहीं काटे और कदलेती मनाई तब बढ़नी खिजूर इमन के काटे। और खान होला कर्मा पर्व कर्मा पर्व के हमरे मन जंगल से काइट लाने और अपन आंगना में चाहे अखाड़ा में हमें गाड़े बैगा गाड़े ओकर बाद में हमरे मन जे ऊपर में का पूजा ये लागे खीरा होलक मकई होलक तो नया दौड़ा में ऊपर ले गेल और रह जब पूजा पाठ करके के आदिवासी मन के जेते पर्व होला मन मना हां सरहुल हो मनाएल हमें फगुआ हो मनाए हाँ तो से लके यही लके हमरे मन मौसम मौसम अपन रीति रिवाज संस्कृति बेटी बेची से हो खाना हमरे मन हम रीति रिवाज आदिवासी का रीति रिवाज में ही कि बेटी बेची से खनवा दलिया ऊपर में हमरे मन मात्र पाँच रुपया से अगर हो सके तो सात रुपया इतने में हमें बेटी विदा करे के दौरा साज कहे नी हाँ दौरा साज कहे इनियर हमर का रीति रिवाज है लेकिन सरकार ओहे हमर रीति रिवाज के छानबीन करत जानत समझत सैकड़ो में हम के एसटी से दर किनार तेज दिलक है ने तो हमरे मन के एकदम दुखा दे के है दर्द के बताए के लिए हमें माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले के लिए आई ताकि वो आदिवासी हके ने हमर मंत्री ये हके आदिवासी हके ताकि वो आदिवासी का दुख दर्द के समझ सके। तो ये कहाँ से आई दीदी? मैं हपादुरुतकार लातेहार जिला में। हाँ का दिक्कत हो ना तो इनके अगर एसटी सूची में नए हाथ हो इन तो कोनो दिक्कत हो ना? हाँ दिक्कत है तो हम इनके छुआ मन के पढ़ाए छोटे खन तो पहला दूसरा में नहीं नवा दसवा जाए तो जाति खोजेन। हाँ हम इनके छुआ मन जग से टीचर मास्टर तो जाति हम इनके नखे बनाते झारखंड अलग होलक से खन से अब बिहार रहे से खने हम इनके बनत रह जाती। हाँ तो ये कहाँ से आई दीदी? लातेहार जिला से। हाँ कोनो दिक्कत हो ना अगर तीन आदिवासी सूची में नहीं आ तो दिक्कत हो थे बाल बच्चा के पढ़ा थी जाति खोजे ना जाति बनते न फिर टीचर मास्टर मन मांगे ना तो हम इन कहा के देव हम इन मन अपन बाल बच्चा ने हार गेली जब से झारखंड अलग होलक तब से हम इनकर जाति बनते न खे हम इन मने गरीब ही तो गरीब कर हालत से हम इन मनाई ही हेमंत से मिले ले बनाए देव कह के कहे ना आसरा देवे ना भरोसा देवे ना आप हमारा आसरा लेके आवेल गाड़ी भाड़ा कहाँ कहाँ से फौजिल जुटाइल तले आवेल अखन हम कैले करावल भूखे पिया से अखन हम इन मनाई मिले यहाँ आई ही मड़ुआ मन के खाइल ओहो मन के खाइल मकई के भाठा मन के खाइल हम इन मन अखन बढ़िया पढ़ सर ले तब बढ़िया हमारे जाति मन बन तक तो हम तो बाल बच्चा मन नहीं कुछ कर के अथी ये सेवा माय बाप के करता है हम कुछ बनते न खे नौकरी चाकरी को नौ करना खा नो कर न खे और हम लेकिन मिलते न खे छुआ मन के हो इस घर न कोनो मिलते न खे कैसे कहा करो हमें। तो इन दीदी कहाँ से आ? हम लोग महुआ डाउस महुआ डाट से। का दिक्कत हो ना अगर अनुसूचित जनजाति में तो इन नहीं हाथ हो? हम इनके यह दिक्कत हुआ थे कि छुआ मन के पढ़ा फिर का थी फिर जन्म प्रणाम पत्र बना थे इसके बाद फिर आगे का करते जब हमारे मन के नहीं जाते इसके बाद स्कूल मन में छुआ मन के भी भेजी
तो कहे हाँ कि चलो हम उनके लाओ टीचर मास्टर मने फिर छुआ मन घर नाराज होके आवे फिर हमरे मन झगड़ा हो छुआ मने फिर हमरे मन साहब से आहे मिले के और मिल के ही जाओ अमन हक ले बस इच्छा है। अंदर से कोनो कुछ बुलाहट आए हो कि तो इनके बुलाबे? हाँ हम लोग तो बोला कि नहीं हम लोग थोड़ा सा क्या बोलते हैं बुलाएंगे सर। हाँ देखिए एक माँ ही है छोटे से बच्चे के साथ, कोनो दिक्कत हो दीदी छुआ के लेके आई है इतनी दूर से? हाँ दिक्कत ठीक से चारे हम आई ही जैसे हम इनकर जमीन जगह लुटाते हम इनकर छुआ पुता ना कुछ ना के बना तो हमें ओकरे चारे आई ही अखन हम इनकर जमीन जगह लुटे तो हम इनकर जे छुआ पुता है से कहाँ रह कि पढ़त लिखत है उम्र ले जा जाति बनत है ना कुछ बनत है ओकरे चारे हम आई ही छुआ लेके आई हूँ। छुआ मैंने स्कूल जाए ना? जाए ना कोनो दिक्कत हो ला? हाँ कागज पत्र मांगे ना? मांगे ना स्कूल में जाति मांगे ना जाति प्रमाण मांगे तो जाति नहीं देवाला तब नहीं देवाला तो है अथी बगरा पैसा लेवे ना हम इनको तो कहाँ से पैसा देवे पारब हमें मन से हम का करला दीदी तो हमें हाजरी मन कमाए किसान था दूसर कोई पर काम करे जाए तो काम कर करते अखन छुआ पुता तो पढ़ाते उसने पढ़ा थी तो कुछ नहीं बनाते से चारे हमें ही हम इनकर हम सोरंग के हमें मिले ने हम इनकर आदिवासी भाई हो के हम इनकर दुख के तकलीफ के समझी कह के हमें उनके बता ले ही हम इनके कर्म परम मान ली तो कर्म वर्त के हम इनकर से स्वागत करे ले हम आई। देखिए कि कितने सीधे साधे लोग हैं कि अधिकार भी मान रहे हैं लेकिन सम्मान भी दे रहे हैं और कर्म परम जो अभी बीता है उसकी बधाइयां भी देने आए हैं। मतलब देखिए कितना अपनापन है और अपनी अपना मुख्यमंत्री है आदिवासी है तो और ज्यादा उम्मीदें कितनी ज्यादा इनकी बढ़ गई हैं। खैर बाकी लोगों से भी बातचीत करते हैं। कहाँ से आ दीदी? लतेहार जिला चोरमंडा से आई नेत्रहाट। अच्छा कब से तो इन आदिवासी कर मांग करा था? हम इनकर हो गए लड़ाई 30 साल हो गया। अच्छा। हाँ 30 साल से हो गए लड़ाई और आज बनी कल बनी कही के हम इनके रोज दिना आज बनी कल बनी के इंतजार करते 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 इतना दिन हो गया लड़ीला तनिक मटकेला अच्छा हो गया कह के सुधरत कह के बीच से और शुरू हो गया तो वैसने करते करते बहुत दिन हो गया हम इन मने जखन जानत भी नहीं रही छोटे छोटे रही से अखन से लड़ाई शुरू हुई है और अखन जब हम इन मन के इतना उम्र हो गया फिर भी इनके कागज पत्र काल फैसला नहीं होते दुनिया कर होते सबकर होते और हमार काल नहीं होते तो हम इनकर जाति को नहीं बनाते अखन छुआ मन के पढ़ाती आठवा क्लास मैट्रिक तक लिखत है या जाति खोजत है तो जाति हम हर स्कूल में जेला कोनो जगह जेला तो जाति मांगेला तो हम जाति कहाँ से देव और इनका जे भी जमीन है एक बिता है इनका आदिवासी कर वो जमीन लुटाए जाते धीरे धीरे लुटाए जाते तो हम इनका जमीने है के प्रूफ और जमीने हम इनका नी रही है हम कहाँ रह कहाँ कदम रख तो मेन है हम इनका जमीन लुटाए जाते इनका जाति नहीं बनाते इन जाति के हक लेवे ही अपन हक के लेवे यही हेमंत दास उम्मीद हो? उम्मीद है हम इनके उम्मीद है और उम्मीद लेके आई और लेके ही जाओ हम इनके उम्मीद देवे करी यार इतना का नहीं तो खाली हाथ हम इन नहीं जाब हम लेके ही जाब जो भी कुछ हो हम देख ले लेकिन लेके जाब। देखिए जो इन लोगों का कहना है कि एकीकृत बिहार जब था तब इनको आदिवासी सूची में शामिल किया गया था बकायदा इनका कागजात बनता था जो इनका जाति प्रमाण पत्र है वो बनता था लेकिन जब झारखंड बना देखिए झारखंड बना तो उम्मीदें थी कि बहुत सारे अधिकार मिलेंगे आदिवासियों के लेकिन भूयर या भूयर मुंडाओं के साथ यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे इनके साथ धोखा हो गया बोल सकते हैं क्योंकि जैसे झारखंड बना इनका आदिवासियत का अधिकार छूट गया जो जाति प्रमाण पत्र मिलता था वो भी बंद कर दिया गया और लगातार ये आदिवासी बनने की मांग कर रहे हैं। TRI तक रिपोर्ट गई है TRI से केंद्र तक रिपोर्ट गई है लेकिन इतने दिन हो गए देखिए अभी तक रिपोर्ट बन के जो इनका रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आ पाया पता नहीं कितना स्लो प्रोसीजर है। और फिलहाल देखिए मैंने जैसे कहा कि ये पहाड़ों की तराई से आए हैं बॉर्डर इलाके से गुमला लोहरदगा पलामू लातेहार से आए हैं और देखिए किसी तरह से एक एक पैसा जोड़ कर आए हैं खाने के भी पैसे नहीं है यहाँ पर आके देखिए चूड़ा गुड़ खा रहे हैं मतलब इनको अगर हम बोले तो इनको अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है खाने पीने से भी देखिए अधिकारों की मांग के लिए अगर रांची आए हैं तो इनको देखिए क्या खा के रहना पड़ रहा है छोटे छोटे बच्चे लेके आए हैं और ये चूड़ गुड़ा खाकर यहाँ पे देखिए प्लास्टिक में ये जमा करेंगे और हमें लगता है कि आज अगर CM नहीं मिलेंगे तो जो जमा किया उसी को खा के ये रात भर यहाँ पे रहेंगे इधर में हो जाते माए हो जाता कहा करूँ अब इतने कंधे में तो कहा करो तनी तनी सब कर ले पूरे चाहिए सब कोई छुआ पुता सब बटाई के खावे। अच्छा मान लीजिए दीदी आज हेमंत मुख्यमंत्री जी नहीं मिले तो क्या कीजिएगा चूड़ गुड़ा से कब तक दिन चलाइएगा क्या करेंगे
हम लोग अपना हक ले आ हो, ए थोड़ा थोड़ा खा के अपना हक को लिए के जा पूरे गुरखा। हाँ जी, मतलब ये क्या पैसा जमा करके लाए हैं आप? हाँ, हम लोग एक दो दो रुपया हम लोग चांदा कर ली, तले इसके बाद हम ली और पैदले भी उतना दूरिया से आई और प्लस में भूख भी लागत है, तो का करब सब मैं चुआ इकरे खाब तनी तनी बटाई के फिर मैं हो जाता थी, तो का करब बर्दाश्त तो करब ने कि हमार हक मिली। देखिए क्या बेबसी है कि आदिवासी राज्य, आदिवासी मुख्यमंत्री और झारखंड बनने के बाद की जितनी उम्मीदें थी वो देखिए इनके लिए वो अभिशाप बन गया कि झारखंड बना और अधिकार छीन लिए गए। फिलहाल ये हेमंत सोरेन से मिलने आए हैं, हेमंत सोरेन ने इनसे कहा भी है कि आप इंतजार करिए, हम आपसे जरूर मिलेंगे और ये मिलकर ही जाएंगे बोल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री जी इनको कब मिलाते हैं, कब इनकी बातें सुनते हैं। लेकिन देखिए ये अपना अधिकार भी लेने आए हैं और सर सम्मान मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दे रहे हैं और कर्म की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। लाल पाट साड़ी में इसलिए पहन के आए हैं ताकि कर्म की उनके साथ जो पर्व है उनको बधाइयां भी दे सके और कर्म की जो खुशी है वो बांट सके। फिलहाल हम यहाँ पे हैं, देखते हैं इनके साथ क्या होता है, TRI की क्या रिपोर्ट आती है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति की क्या रिपोर्ट आती है और हेमंत सोरेन क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन स्थिति यहाँ पे देखिए लग रहा है कि स्थिति बहुत खराब है, चूर घुड़ा के साथ देखिए उतनी दूर से लोग आए हैं और इसी के साथ इनको अभी रहना है, टिकना है रांची में। फिलहाल हम हैं यहाँ पे, कोशिश करेंगे लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जो आ रहेगा।